दोस्तों, किसी देश को चलाने के लिए नियम और कानून होते हैं, परंतु कुछ ऐसे भी कानून होते हैं जो कि स्वयं कानून बनाने वाले को ही भारी पड़ जाता है। इसी से जुड़ी एक अनोखी और रियल इंसिडेंट सुनाता हूँ। 19 वर्षीय थाईलैंड की महारानी सुनंदा कुमारी रत्ना वर्ष 1880 में बैगपा महल की ओर नाव से जा रही थी। तभी महल की ओर जाते वक्त उनकी नाव अचानक से पानी में डूबने लगा और पानी में डूबने से रानी सुनंदा और उनके गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो गई। ऐसा भी नहीं था कि उनके आसपास कोई लोग मौजूद नहीं था, बल्कि वहाँ काफ़ी लोग मौजूद थे और रानी के आसपास में ही अच्छे तैराक भी मौजूद थे। फिर भी रानी को बचाने के लिए कोई आगे क्यों नहीं आया? इस घटना के पीछे राजशाही परिवार द्वारा बनाया गया कानून था, जिनमें किसी भी साधारण व्यक्ति या नौकर को राजशाही परिवार के किसी भी सदस्य को छूने की इजाज़त नहीं थी। अगर ऐसा किया गया तो अपराधी के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते थे। आपका इस कानून के बारे में क्या विचार है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।